रिलीज हो रही है पहले तो अवेयर रहिए कि 18 मार्च को रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ जाके देखिए फिल्म। अगर स्पेशली अगर आपको ट्रेलर पसंद आई है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। फैमिली के बारे में है और किसके बारे में बोलूँ, फैमिली के बारे में है और रिलेशनशिप्स के बारे में। आई थिंक ये आपकी और हमारी फैमिली के बारे में, मिडिल क्लास फैमिली में जो चीज़ें होती हैं, हंसी मजाक, गुस्सा, कभी कभी मारने का भी मन करता है पर हम सब नहीं करते हैं बिकॉज इट्स अ फैमिली, इट्स योर फैमिली। एंड वही आई थिंक बहुत ही रियल सुर पकड़ा है शकुन बत्रा ने, बहुत ही अच्छी कहानी कहने की कोशिश करी है और हम सब ने छोटा छोटा पार्ट किया है इसमें। तो होपफुली हम लोग सब एक साथ जब आएंगे इन दो घंटे में आपको बहुत पसंद आएगी हमारी कहानी। 18 मार्च हमारी फिल्म रिलीज हो रही है यार। फिल्म अच्छी लगती है जाके देखिए, सॉरी ट्रेलर अच्छा लगता है जाके देखिए, ट्रेलर नहीं भी अच्छा लग रहा तब भी जाके देखिए। हाँ, यू लाइक द मूवी? या या कपूर एंड कपूर संजी, कपूर एंड संजी है ऋषि कपूर के साथ। कपूर एंड सन्स की जर्नी कैसे थी? जर्नी कपूर एंड सन्स कुरूर में शूट किया इसको हमने, कम से कम 30 से ज़्यादा दिन किया था और वहाँ पे पूरी कास्ट थी एक ही लोकेशन पे, एक ही घर पे। कुरूर में इतना ज़्यादा कोई चीज़ें घूमने की नहीं है वहाँ पे, या हमें समय नहीं मिलता था तो आपस में हमने बहुत चीज़ें करी एंटरटेनमेंट के लिए। मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलता था, आलिया यूज्ड टू प्ले वर्ल्ड बिल्डिंग गेम्स, गोल्ड स्पॉट एवरी टाइम। एंड फवाद गिटार पे जैम करते थे काफ़ी अच्छा, और जैम बजाते थे, हाँ जैम बजा के पीना बटर। तो बहुत चीज़ें करी है। आई थिंक हम लोग हमेशा शूट के बाद वी स्टार्टेड प्लेइंग पोकर आल्सो। एंटरटेनमेंट कोई खास नहीं, दैट्स अनदर रीजन व्हाई यू शुड गो एंड वॉच कपूर एंड सन्स, क्योंकि हमने सारे अपने पैसे गवा दिए। हाँ प्लीज वी नीड मनी, आप ही बना सकते हो, आप ही हमारी उम्मीद है पैसे। हाँ बहुत मजा आया, गुड ही इज़ अ पार्टी एनिमल रेजर। डांस इज़ नॉट रियली वन ऑफ माय फोर्टेज, सो आई गॉट अ चांस टू लूसन अप अ बिट एंड लेट्स नाचो। या ऑब्वियसली आई मीन इफ इट्स नॉट माय फोर्टे आई हैव एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन ट्राइंग टू लर्न हाउ टू डांस बिकॉज ये लोग तो रिदम में आ चुके हैं, दो दिन की रिहर्सल के बाद, तीन दिन की रिहर्सल के बाद और सेट टू गो। आई ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट टाइम प्लीज गाइस आई नीड वन मंथ्स हेड्स अप। मेरी बहन तो नहीं है पिक्चर में तो हम लोग दोस्त ही हैं। हाँ that if we say and all you're not going to really go and say na ha abhi couple ya friend ha theek hai pata chalega next door hum log dosti se shuru karte hain ha kisi bahut special ke sath rehne wali hu main meri sister ke sath rehne wali hu and she's very special in my life। पूरी टाइम रोमांस कर रही थी क्योंकि रोमांटिक फिल्म नहीं है। हाँ रोमांस का एंगल जरूर होगा थोड़ा बहुत, बट इट्स नॉट लाइक इट्स फोकस्ड ऑन दैट, बट आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम हैंगिंग विद देम, एक्टिंग विद देम, वर्किंग विद देम, दे बोथ आर अ प्लेजर टू वर्क विद एंड इवन थ्रू द प्रमोशन वी आर हैविंग अ रियली गुड टाइम। बहुत थके हुए हैं बट स्टिल वी कीप पुशिंग ईच अदर एंड यू नो लाइक यू नो बीइंग ईच अदर्स एनर्जी मीटर व्हेनेवर समबडी इज डाउन समबडी एल्स हैज टू गो अप, सो इट्स क्वाइट नाइस, द सिनर्जी इज नाइस। हैं किस में? फिल्म में ऋषि सर, आई डोंट नो, यू हैव टू सी दैट इन द फिल्म। वो कह रहा है ये सवाल पूछो मत पूछो, घुसपुस हो रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं लोग। मैंने पूछा तो ये पूछा। आज दो मेन कंट्री के सेलिब्रिटीज
या क्रिकेट तो चलती रहती है, कपूर हसन सिर्फ एक दफा आती है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट क्रिकेट एंड लेट्स गो वॉच कपूर हसन। या व्हाट ओ आलिया एक छोटा सा फैन। हाँ अच्छा What I loved about Kapoor & Sons की ये कहानी बहुत यूनिक कहानी है। So when I first read the script, it was more the script that attracted me more than my character. The character, of course, is very lovely, but I wanted to be a part of this film. And what I liked also about the character is that she is a joyful girl, but she has some depth in her baggage of her own, which she's kind of covering up. Which magazine? Which one? First you tell me the magazine's name, then I'll tell you how it was. First let me tell you the magazine's name, then I'll tell you how it was. Now tumko itni irritation hoti jab mujhe kuch president prime minister nahi pata hota hai aur tumko magazine cover nahi pata hai jiske question tum pooch rahe ho. Are but I'm just asking, I'm asking you what magazine. Okay. अरे वाह बाबा, उसको पूछने दो, वो क्वेश्चंस ऑन अभी नाम बोला उसने। हां आई वाज ट्रबलिंग हिम व्हेन यू कट मी। हां विद सिद्धार्थ आई वाज फीलिंग वेरी हॉट क्योंकि हम लोग मॉल्डीव्स में थे तो बहुत ही हॉट था, बट डेफिनेटली अगर आप कवर देखोगे तो सिद्ध इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी हॉट एंड आई वाज क्वाइट आई फील उन्होंने मेरा हॉटनेस क्वेश्चन बढ़ा दिया। विद फवाद, फवाद वॉज फीलिंग वेरी हॉट क्योंकि वो बॉम्बे के गर्मी में, मुंबई के गर्मी में ही वॉज वेरी दैट हैवी कोट ऑन सम टेरिस, सो वी बोथ फीलिंग आई मीन आई वॉज क्वाइट ईजी ब्रिजी, बट बोथ कवर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वन इज वेरी हाई फैशन, वन इज वेरी यू नो इंटरैक्टिव एंड वेरी या लाइक बीची एंड वट एवर ब्यूटिफुल, सो आई कैन रियली कंपेयर द टू, बट बोथ एक्सपीरियंस आर वेरी लवली। Incredible. मेरे राइट पे क्या है? थैंक यू देखिए। सो लव फॉर सीड एंड लाइफ फॉर फावा। एंड जो वो का आवाज था स्क्रिप्ट किया। फिर भूल गया तू, इतनी जल्दी भूल गया। वो मैगजीन तो उस पे क्रिएटिव करती जाती है, लेकिन डिपेंडेंट हां आलिया तो कुछ कहना चाहिए। आई डिडंट डिफेंड एनीवन, आई वाज जस्ट की somebody is marring cheap comments on any girl, it's just wrong and that's it, yeah, I don't want to give it any more importance. आप शर्मा रही नहीं, बहुत मज़ा आया काम करने का। आई थिंक एक नेचुरल सी एक हमारी एक वेवलेंथ हम सब ने आपस में पकड़ ली थी एंड बहुत अच्छी कामराडरी है, नॉट जस्ट विद सिडनी आलिया बट विद द होल टीम, and I think they would also say that regarding the whole Kapoor & Sons team, it was isko aap sahi mano mein collaborative effort kehte hain aur wo energy itni positive thi ki I think that's translated to the film. I really will miss shooting Kapoor & Sons and this is a memory that's going to stay with me for the rest of my life and I mean that. Chill moment for you in this whole shoot. Chill moment, yeah. I think chill moment would be when Fawad and I were shooting a night shoot in Kunur, teesra din tha hamara and hame pretend karna tha ki hum log ghaaye hain aur hansna tha aur thodi bahut dikkat ho rahi thi humko shuruaat mein, to inke close up mein maine phir apni jitni punjabi ke bure words aate the aur baki gaaliyan aati thi maine sara dena shuru kar di and it worked, to ye jo hase main jo gaaliyan nikali and I think it was a pretty chill moment between the boys. And Shakuni bahut khush the and after that we broke the ice. So I think that'll be the chilled out moment that we had. Mm.
यार मैंने तो कल प्लान नहीं किया कि मैं क्या करूँगा, तो छः महीने की बात तो काफ़ी दूर की बात है, बट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि क्या चीज़ हाथ में आती है, व्हाट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हमारी नज़र से गुजर रही हैं एंड वी आर कंसिडरिंग दम, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन इन मोर डिटेल, मोर एक्यूरेटली इन द नेक्स्ट 3 months. लेकिन इरादा तो ये है कि कुछ हमेशा अलग करने की कोशिश करें एंड मोर कैरेक्टर रोल्स, विच विल बी अ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर मी. बहुत मज़ा है अभी, बल्कि हम ऋषि साहब के साथ ही हम ये उनके फेवरेट प्रमोट कर रहे थे. नहीं, हम सब फेवरेट सब है. एंड वी रियली मिसिंग हिम बिकॉज़ अभी हम पिछले 2 घंटे से उनके साथ ही प्रमोट कर रहे थे. वी जस्ट रियलाइज्ड कि he's a very entertaining important, he's an essential element to dil aur dimag se hi baat karta hai hamesha, thi unki jo plus point hai, and we love him for that. What was Alian Shandar was? Acha. Can I answer that? She's sensitive. Oh, I thought. Like yeah. Chulla. Chulla. I'm not aware of this. वो हम उस टाइम के बारे में बात करेंगे जब हम उस प्रोमोट करेंगे. थैंक यू.